गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। एज वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी द कॉन्टेस्ट, नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 31। ए पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, वी विल डू दिस पार्ट इन नोटबुक। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। There is a line taken from the story and questions are being asked based upon this line. You have to answer these questions. First line is, there will be a contest between the three of you, said the son. आप तीनों के बीच में एक contest होगा, said the son, सूरज कहता है. Now the question is, who were the participants in the contest? कॉन्टेस्ट में कौन पार्टिसिपेंट्स थे, किन किन ने पार्टिसिपेट किया था? द थ्री सिस्टर्स हुज नेम वर समर, विंटर एंड मॉनसूनस, दे वर द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्टेस्ट। थ्री सिस्टर थी जो समर, विंटर, मॉनसून, उन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्टेस्ट में। सेकेंड क्वेश्चन इज, वट डिड दे हैव टू डू फॉर द कॉन्टेस्ट। उन्होंने कॉन्टेस्ट के लिए क्या किया था, मतलब उन्होंने कॉन्टेस्ट के लिए कैसे तैयारी की थी। दे ड्रेस्ड अप इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स फॉर द कॉन्टेस्ट। उन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे किया था, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयारी की थी। हु वॉज द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का जज कौन था। द सन वॉज द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट, सूरज कॉन्टेस्ट का जज था। नेक्स्ट लाइन विच दे हैव टेकन इज, दैट इज व्हाई वी सी अ रेनबो व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट रेन्स। कहते हैं कि जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तभी हम रेनबो देखते हैं। क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज, विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टोरी बिकम्स अ रेनबो। स्टोरी में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो बाद में रेनबो बन गया। द सैश विच द सन, द सैश गिवन बाय सन टू द मॉनसून, वो वाला सैश जो सूरज ने मॉनसून को दिया था कॉन्टेस्ट विन करने पे, वो क्या बन जाता है, रेनबो। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी कलर्स डज अ रेनबो हैव। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। There are seven colors in a rainbow. Next is, which season do we see the rainbow in? हम कौन से season में rainbow देखते हैं? In the monsoon season. C part we will do when the school reopens. Next is word web. Weather words. There are different clothes for different seasons. अलग अलग सीजन में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। During summer we wear light cotton clothes. Summer में हम cotton clothes पहनते हैं। During winter we wear warm woolen clothes. Winter में हम गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। And when it rains, जब बारिश होती है, we bring out our umbrellas and raincoats. हम अपने अम्ब्रेलास और रेनकोट्स बाहर निकालते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ क्लोथिंग आइटम्स दैट यू वियर इन ईच सीजन। हेयर आर थ्री डिफरेंट सीजन्स, तीन सीजन्स के नेम दिए गए हैं, विंटर, समर एंड मानसून। विंटर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, हमने यहाँ पे लिखना है। समर्स में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। मॉनसून में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। समर, विंटर एंड मॉनसून में हम जो भी कपड़े पहनते हैं या फिर जो आइटम्स हम यूज़ करते हैं, हम उनका नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वेयर जैकेट्स इन समर विंटर्स, वी वेयर ग्लव्स, कैप्स, स्वेटर्स। इन समर सीजन वी वेयर टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड टैंक टॉप्स। इन मॉनसून वी वेयर रेनकोट्स, रेन बूट्स, वी टेक आउट अम्ब्रेलाज, हैट्स, वी टेक आउट अम्ब्रेलाज एंड हैट्स टू कवर आवर हेड सो दैट
हमारे जो बाल हैं वो बारिश के पानी से गीले ना हो जाए। नेक्स्ट इज ग्रामर पार्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन दिस टॉपिक इन द थर्ड चैप्टर ऑफ ग्रामर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। When we speak about one thing, we use the singular form of word. When we speak about many things, we use the plural form of word. जैसे for example, girl. Girl is the singular form of word. Girls. Girls is the plural form of word. Girl का मतलब है only one girl. When we say girls, इसका मतलब two girls भी हो सकता है, three, four, many girls कुछ भी हो सकता है. Shirt, shirts. Book, books. Tree, trees. To change the word from singular form to plural form, we just put s after the word. There are many rules. This is first rule in which we just put s after the word. Girl, girls. यहाँ पे हमने क्या किया है? Girl के पीछे just s put किया है. There are other rules also to change a word from singular to plural form. For example, the words ending in ch, sh, s and x. जो words जिनके end में ch होता है जैसे torch, h होता है जैसे wish, x होता है जैसे fox, bus या फिर s होता है, उन words की हम कैसे form change करते हैं? We put es after the word. हम वर्ड के पीछे ई एस लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉर्च, टॉर्चिज, विश, विशेज, फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस. एंड अदर रूल्स इज देर आर वर्ड्स एंडिंग इन वॉवल्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जिनका लास्ट अल्फाबेट वॉवल होता है, जैसे एंड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट होता है. जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट वॉवल होता है उसके पीछे हम जस्ट एस लगा देते हैं, और जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होता है उनके पीछे हम क्या लगाते हैं? उनके पीछे हम आई ई एस लगा देते हैं, जैसे कैंडी. वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल राइट कैंडीज. हमने वाई को कट करके आई ई एस लगा दिया है. बॉय, बॉय में हमने क्या किया? वाई को कट करके, सॉरी, बॉय में हमने बॉयज जस्ट एस लगाया है. अगर तो हम एस लगाएंगे तो हम वाई को कट नहीं करेंगे, अगर हम आई ई एस लगाएंगे तो हम वाई को कट करेंगे. देर आर सम वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये वाले रूल्स नहीं लगते, जैसे ऑक्स का प्लूरल क्या है? ऑक्सन. मैन, मैन. शीप, शीप का शीप होता है, सेम वर्ड. डियर का भी सेम होता है, डियर. टूथ का क्या होता है? टीथ. चाइल्ड, चिल्ड्रन. ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें कोई ऊपर वाला रूल नहीं लगता है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में प्लूरल फॉर्म दी है, सॉरी, ब्रैकेट्स में सिंगुलर फॉर्म दी है. हमने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. फर्स्ट वन इज यू मस्ट पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग विद देम. ब्रैकेट में टॉय था तो हमने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज किया, टॉयज. द फिशेज आर स्विमिंग इन द टैंक. Mother could not find her glasses. The church bells are ringing. The mangoes are sweet. Adam has no enemies.
देर इज़ द वर्ड एनिमी, इसमें क्या वाई को कट करके आई ई एस लगाया है, अगर तो आई ई एस आएगा तो हम वाई को कट कर देंगे, अगर सिंपली एस लगाना है तो हम वाई को कट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स वॉवल से एंड होते हैं, जैसे मैंगो एम ए एन जी ओ, तो ओ क्या है, ओ इज़ अ वॉवल, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट ई एस आफ्टर द वर्ड, हम मैंगो को लिख के सिंपली पीछे ई एस लिख देंगे। तो ये रूल है उन वर्ड्स के लिए जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ अ कॉन्सोनेंट, सॉरी इज़ अ वॉवल। Students, that's all for today. In next class, we will do the notebook work. We will do the question answers of this chapter. Thank you and have a nice day.